देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में आज आपके साथ। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां पे सकरा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां एक खाद कारोबारी को अपराधियों ने लूट के दौरान गोली मार दी है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही घायल का इलाज मुजफ्फरपुर के SKMCH में कराया जा रहा है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए जो घायल है उनके परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप। घटना हुआ, हम पूसा सकरा से पूसा के लिए जा रहे थे। सकरा मुरौल PSC के पास एक डाइवर्सन है, जहां पर एक पीछे से दो गाड़ी से लोग आए, हमको एक गाड़ी धक्का मार दिया, हम गिर गए। फिर उठने के बाद जो है सो पीछे से वो आदमी गाली गलौज करते हुए मुझ पर गोली चलाया और उसके बाद गाड़ी छीन लिया और लेकर के जो है सो भाग गया। अच्छा, गाड़ी में मतलब पैसा था? जी, पैसा भी था। कितना था? 15 लाख प्लस था, कैलकुलेशन करने पर सही पता चलेगा। कहाँ से आ रहे थे आप? सकरा सुजावलपुर मार्केट से आ रहे थे। क्या चीज़ का काम करते हैं? खाद्य पदार्थ का काम है। अच्छा, कितना बजे घटना है? लगभग 7:15 बजे के आसपास है। अच्छा, फिर सूचना मतलब आप घर पे कैसे दिया? हमारे पास फ़ोन था, उससे हम किसी हमारे को हमको एक राही जो है सो लेके PSC पहुंचाया। अच्छा। उसी को कहे कि लगा के ज़रा फ़ोन कीजिए। अच्छा। वही फ़ोन किया तब लड़का लोग आया। अच्छा। हम जिनके यहाँ काम करते हैं उनको भी फ़ोन करवाए, वो भी जो है सो आए। अच्छा। वही साथ में है। घटना के समय जो है क्या कुछ बोल रहे थे अपराधी लोग? अपराधी लोग गाली गलौज किए, रुको साला जो है सो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मारो पीछे से जो और लोग थे वो लोग मार दो गोली साले को, फलना करो यही सब। कितना की संख्या में अपराधी? जी, अपराधी कितना की संख्या में? वो दो मोटरसाइकिल से दोनों पर दो दो लोग थे, चार लोग। जी जी। अच्छा, इसके बाद एक लोग जो है सो हमारी वाली गाड़ी लेकर के चले गए और एक पर जो है सो दोनों गाड़ी पर अपना एक पर दो और एक पर एक करके जो है सो लोग। अच्छा, किसी का अपराधी में पहचान हो पाया? जी नहीं, पहचान नहीं, हेलमेट लगाए हुए था इसलिए पहचान हम नहीं पाए। अब उस समय कैसे पहचानते, हमारी तो हालत गंभीर थी। किधर की ओर भागा है मार्केट? भागा वो डाइवर्सन से आगे जहांगीरपुर चौक है, जो कि पूसा और मुजफ्फरपुर रोड में मिलती है, उसी तरफ भागा। अब उधर आगे जाके किधर गया यह मुझे जानकारी। घटना आपके साथ कहाँ घटी है? घटना घटी मुरौल PSC के पास से पीछे सकरा की तरफ एक डाइवर्सन है, पुल बना है, उसके बगल में डाइवर्सन पर ही यह घटना घटी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार ठाकुर हुआ। कहाँ घर हुआ? घर गोराई हुआ। कौन सा थाना? चकमहसी थाना है। जिला? समस्तीपुर। तो घटना वही हुआ था लूटपाट का, फिर बाद में वहाँ पे किसी ने इनको हॉस्पिटल में ले जाके, मेरे को हॉस्पिटल में जाने के बाद कॉल आया मेरे पास, फिर हम लोग आए वहाँ से, वहाँ जो फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट हुआ वो ट्रीटमेंट दिया गया, फिर रेफ़र किया गया यहाँ इस हॉस्पिटल में, फिर यहाँ पे आए। क्या बताया गया था, क्या सूचना मिला? क्या क्या सूचना मिला था? मिला था कि जो भी साथ में थे इनको जो लेके आए थे वो बोले कि गोली लगी है, फिर बात हुई तो बोले कि आने के लिए, तो हम लोग आ गए वहाँ से। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आदित्य ठाकुर। क्या लगते हैं आपके? मेरे पापा हैं। पिताजी लगते हैं जी। क्या नाम हुआ? हाँ, क्या नाम है इनका? राजेश ठाकुर। अभी जो है पूसा निवासी हैं, जो सकरा मार्केट की तरफ से आ रहे थे, और वो सेल्समैन है, और जिनके अंदर में काम करते हैं वो जो है खाद व्यापारी हैं, तो करीब 15 लाख रुपया लेके आ रहे थे डिक्की में, और एक जो है रास्ते में जो है इनको ओवरटेक करके दो मोटरसाइकिल से गुलचार बंदे आए और इनको जो है पहले पीछे से धक्का मार दिया गाड़ी में तो गिर गए, उसके बाद जो है ये उठे तो उन लोगों ने इनको मारना पीटना शुरू कर दिया और फायरिंग कर दिया। इनको 4 गोली लगी है, माँ में लगी है, दोनों कम जांग में लगा है, पैर में भी लगा है, कुल 4 गोलियाँ इनको लगी है, और भी फायर किए थे जो मिस फायर हुए, 4 गोली लेकिन शरीर में लगी। क्या प्रथम दृष्टि घटना का लगा? ये तो लूट का ही प्रति थोड़ा है। लूट का क्या पहचान हो पाया? किन का? घायल का। हाँ, घायल का पहचान हो गया। ये पूसा निवासी हैं, समस्तीपुर जिला के। समस्तीपुर जिला। क्या नाम है इनका? इनका हम जो है SKMCH मेडिकल SHO है, डॉक्टर ललन कुमार पासवान। ने सुना घायल और उनके परिजन क्या कुछ कर रहे थे, वही बताया जा रहा है कि वो
सेल्समैन का काम करते थे। जब वो पैसा वसूली कर अपने घर की ओर लौट रहे थे, जिस क्रम में सकरा थाना क्षेत्र में एक घटना को लूट के दौरान जो है उनको रोका गया और उनकी गाड़ी को भी अपराधियों ने लूट कर भाग निकले और उन पर गोलियां मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 4 गोली उनके शरीर में लगी है, वही उनका इलाज मुजफ्फरपुर के अभी SKMCH में चल रहा है। तो अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले की कब तक उद्भेदन कर पाती है। फिलहाल के लिए देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।